कमजोर फील्डिंग और खराब किस्मत से हारी टीम इंडिया। हरमनप्रीत कौर का बैट पिच में अटका, कैच छोड़े और स्टंपिंग गवाई। आइए देखते हैं सेमीफाइनल के मूवमेंट्स। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हरा दिया। भारत को 33 बॉल पर 41 रन की जरूरत थी। रिचा घोष और हरमनप्रीत कौर क्रीज पर थी, तब हरमनप्रीत कौर आउट हो गई। भारत आखिरी 32 बॉल पर 34 रन ही बना सका और मैच हार गया। भारत ने पहली पारी में ही खराब फील्डिंग की, कैच छोड़े और अहम मौकों को किस्मत खराब होने के चलते विकेट भी गवाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने शानदार फील्डिंग की, जिस कारण अहम मौकों पर उन्हें विकेट भी मिले। आगे स्टोरी में हम सेमीफाइनल के ऐसे ही कुछ टॉप मूवमेंट्स जानेंगे। शेफाली ने बाउंड्री पर छोड़ा आसान कैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की फील्डिंग बेहद खराब रही। शेफाली वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बेथ मुनी का आसान सा कैच छोड़ दिया था। मुनी तब 32 रन पर बैटिंग कर रही थी, वह फिर 54 रन बनाकर आउट हुई। वहीं विकेट कीपर रिचा घोष ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लेनिंग का कैच छोड़ा। लेनिंग तब 1 रन पर खेल रही थी और फिर उसी लेनिंग ने 49 रन बनाकर नॉट आउट रही और भारत को हरा दिया। उन्होंने आखिरी ओवर में रेणुका सिंह को 2 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 172 रन तक पहुंचाया। रिचा ने 13वें ओवर में स्टंपिंग का आसान मौका भी गवा दिया था। कैच छोड़ने के अलावा भारत ने कई मौकों पर बहुत खराब फील्डिंग की। शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा जैसी फील्डर के हाथ से नीचे से बॉल जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने खराब फील्डिंग का फायदा उठाया और 8 बार 2-2 रन लिए। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 15वें ओवर में 52 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन आउट कैसे हुए, रन आउट, यहीं से पूरा मैच पलट गया। ओवर की चौथी बॉल पर दूसरा रन लेने के प्रयास में हरमनप्रीत कौर का बैट पिच में अटक गया। वह रन पूरा नहीं कर पाई और ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलिसा होली ने गिल्लियां उड़ा दी। रिप्ले में हरमनप्रीत कौर रन आउट नजर होती आई। हरमनप्रीत के विकेट के बाद भारत को 32 बॉल पर 40 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम इंडिया 34 रन ही बना सकी और 5 रन से सेमीफाइनल गवा दिया। उनसे पहले तीसरे नंबर पर उतरी यष्टिका भाटिया भी रन आउट हुई थी। चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरी जेमिमा रोड्रिग्स ने 24 बॉल पर 43 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 6 चौके जड़े, वे शानदार खेल रही थी। लेकिन 11वें ओवर में बाउंसर को छेड़ने में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गई। अगर वो गेंद छोड़ देती तो बॉल वाइड रहती और मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। जेमिमा रोड्रिग्स से पहले ओपनर स्मृति मंदाना एल्स गार्डन की बॉल पर LBW आउट हुई। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और स्मृति मंदाना आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे मैच में शानदार फील्डिंग की। हरमनप्रीत कौर के रन आउट होने के बाद एलिस पेरी ने अंतिम ओवरों में बाउंड्री पर शानदार ड्राइव मारकर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। टीम ने पूरे मैच में बेहतरीन फील्डिंग की और कई रन रोके। आखिरी में दोनों के बीच जीत का अंतर महज 5 रन रहा। अगर वह 5 रन नहीं रहता जीत का अंतर, तो शायद भारत जीत सकता था, लेकिन खराब फील्डिंग और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत फील्डिंग ने शायद यह मैच जिता दिया और यही कारण है कि भारत का फाइनल में जाने का सपना एक बार फिर टूट गया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार खिताब जीत चुकी है और काफी मजबूत टीम मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पर मैच रोमांचक हो गया था और कप्तान हरमनप्रीत कौर की पारी के बलबूते पर भारत शायद इस आंकड़े को छू सकता था। अगर भारत की फील्डिंग इतनी खराब नहीं होती और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग अगर इतनी मजबूत नहीं होती। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।